एक सच जो अद्भुत है, वाकई अद्भुत। एक सच जो अपने भीतर तमाम रहस्य समेटे हुए है। एक सच जो आपके अंदर रोमांच पैदा करेगा। एक सच जिसे देखकर आपको गर्व की अनुभूति होगी। एक सच जिस पर यकीन करना मुश्किल है। यह सच उस विशाल इमारत का है जिसके कण कण में रहस्यों में लिपटी कई कहानियां छिपी हैं। ऐसी ऐसी कहानियां, ऐसे ऐसे किस्से जिसे देश के ज्यादातर लोग शायद ही जानते होंगे, और अगर जानते भी होंगे तो अपनी आंखों से देखा नहीं होगा। अद्भुत भारत में आज हम आपको उसी इमारत में ले चलेंगे जो एक सुनसान सी जगह में एक अद्भुत सौंदर्य को ओढ़े हुए आज भी खड़ी है। अद्भुत भारत इतिहास की उस चमक दमक को अपने में समेटे है जो भारत के हर नागरिक को अपनी विरासत पर गर्व करने का मौका देती है। इंडिया न्यूज इस वक्त मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के मितावल गांव में है जहां पर ये 64 योगिनी मंदिर बना हुआ है। 170 फीट ऊंची पहाड़ी पर बना यह मंदिर अद्भुत वास्तुकला का नमूना है। यहां के लोगों से बात करें तो वो इसे चंबल की संसद कहते हैं, और हो भी क्यों ना, भारत की संसद और इस मंदिर में बहुत कुछ एक जैसा ही है। हजारों साल पुरानी इस इमारत का देश की संसद से क्या रिश्ता है, और एक अजीब सी खामोशी में खोई इस इमारत में क्या आज भी रात के वक्त कुछ आवाजें आती हैं? अद्भुत भारत में आज हम आपको सब कुछ बताएंगे और उन तमाम रहस्यों से पर्दा उठाएंगे जो आपके लिए आज भी अनदेखा है, अनसुना है और शायद अबूझ भी। हिंदुस्तान की जिस संसद की खूबसूरती को देखने आज भी देश विदेश के सैकड़ों हजारों लोग दिल्ली आते हैं और अंग्रेजों की बनाई इस इमारत की भव्यता को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। क्या उस संसद का नक्शा हिंदुस्तान के एक मंदिर से मिलता है? क्या उस संसद का वास्तुशिल्प भगवान शिव के एक मंदिर पर आधारित है? इन्हीं सवालों का सच जानने समझने के लिए इंडिया न्यूज की टीम मध्य प्रदेश के मुरैना के उस मंदिर तक गई और वहां की तस्वीरों को अपने कैमरे में कैद किया। लेकिन इस सफर में हमारे सामने जो कहानियां आई हैं वो वाकई हैरान करने वाली हैं। आपने अभी अभी जो तस्वीरें देखी वो खुद में विरोधाभासी है। एक तस्वीर मध्य प्रदेश के मुरैना की 64 योगिनी मंदिर की है जो भगवान शिव का मंदिर है, और दूसरी तस्वीर देश की संसद की है जिसे लोकतंत्र का मंदिर कहते हैं। आज हम आपके सामने इन दोनों तस्वीरों को एक साथ रखते हैं। इन दोनों तस्वीरों को एक साथ देखिए, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि दोनों इमारत करीब करीब एक जैसी हैं, या फिर दो में से एक इमारत दूसरे की नकल है? यहाँ आने वाले हर शख्स को यहाँ आकर ऐसा ही महसूस होता है, और हो भी क्यों ना, दोनों इमारतों में वाकई ऐसी कई समानताएं हैं जो इस तर्क और तथ्य को और मजबूती देती हैं, और शायद इसीलिए 64 योगिनी मंदिर को चंबल की संसद भी कहते हैं।
मुरैना से करीब 35 किलोमीटर दूर चंबल की संसद यानी 64 योगिनी मंदिर का निर्माण राजा देवपाल ने 1323 में करवाया। इसके करीब 600 साल बाद एडविन लुटियंस ने 1927 में भारतीय संसद भवन का निर्माण कार्य पूरा किया। लेकिन इस मंदिर और लोकतंत्र के मंदिर में कुछ फर्क है जिन्हें एडविन लुटियन ने संसद में अपनाया। पहला फर्क है जो सामने आप देख रहे हैं इस बारादरी का है। आप ये जो बारादरी देख रहे हैं भारतीय संसद में ये हिस्सा बाहर की तरफ है जिसे 1323 में भारतीय वास्तुकारों ने अंदर की तरफ बनाया था। कारण क्या था? कारण ये कि साधना करने वालों को छांव मिल सके और अंदर होने की वजह से एकांत भी। देश की संसद से मिलती जुलती इस इमारत का साधक साधना और तंत्र मंत्र से क्या लेना देना था, ये जानने समझने से पहले आपको बताते हैं कि ये मंदिर संसद से क्यों मिलता है। दरअसल इतिहास के पन्नों में जो तथ्य दर्ज हैं, उसके मुताबिक संसद भवन की नींव 12 फरवरी 1921 को ड्यूक ऑफ कनॉट ने रखी थी और इसका डिजाइन ब्रिटिश वास्तुविद सर एडविन लुटियन ने तैयार किया था। अंग्रेजों ने अपने अभिलेख में भी संसद भवन के डिजाइन को लुटियन की मौलिक सोच बताया है, लेकिन कई हिंदुस्तानी इतिहासकारों की माने तो एडविन लुटियन ने संसद भवन का डिजाइन तैयार करते वक्त मुरैना के 64 योगिनी मंदिर से प्रेरणा ली। हालांकि इतिहास में इसका कोई जिक्र नहीं है। एक तरफ संसद में अपनी बात रखने के लिए नोटिस देना पड़ता है, प्रश्नकाल और शून्यकाल का इंतजार करना पड़ता है, बात रखने के दौरान विरोध भी होता है और नारेबाजी भी होती है, लेकिन 64 योगिनी के इस मंदिर में अपनी बात खामोशी से रखी जाती है। न किसी तरह का विरोध और न ही कोई नारेबाजी। आस्था के इस मंदिर में हमेशा शांति रहती है। अब आपको इस मंदिर का एक एक हिस्सा दिखाते हैं जिसे देखकर आपको यकीन हो जाएगा कि संसद भवन का डिजाइन कहीं ना कहीं इसी मंदिर पर आधारित है। मैं इस वक्त 64 योगिनी मंदिर के गर्भगृह के ठीक सामने हूं और गर्भगृह के अंदर महाकाल महादेव शिव का लिंग विराजित है जिसकी लोग पूजा करते हैं। अब बात करते हैं इस मंदिर के खंभों की। ये वास्तुशिल्प कितना अनोखा है और कितना सोचकर सालों पहले बनाया गया था। गर्भगृह से लगे हुए ये जो खंभे आप देख रहे हैं, जो कि ये खंभे जो कि नक्काशीदार खंभे हैं, ये गर्भगृह पर जो लगे खंभे हैं ये करीब 11 खंभे हैं। अगर इस गर्भगृह से हम बाहर की तरफ आते हैं और दूसरी लेयर को देखते हैं जो कि ये आपके कैमरे में इस वक्त है, तो इस लेयर के खंभे ये 17 खंभे हैं। इनकी संख्या 17 है। थोड़ा सा अगर हम बाहर की तरफ और आने की कोशिश करते हैं और यहाँ पर बने हुए खंभों को देखते हैं तो यहाँ पर खंभों की संख्या दुगनी हो गई है। हर जगह 2 खंभों का आधार दिया हुआ है तो ये खंभे कुल मिलाकर 34 खंभे हो जाते हैं, यानी 11, 17 और 34। और इसके बाद अगर हम दूसरी तरफ निकलते हैं और बारादरी की तरफ अगर हम देखने की कोशिश करते हैं, जो बारादरी का हिस्सा आपको दिखाई पड़ रहा है, इस बारादरी में 68 खंभे हैं अंदर की तरफ और बाहर की तरफ 70 खंभे हैं। हालांकि दो एक एक खंभा दरवाजे की तरफ एक्स्ट्रा है, लिहाजा ये 68 खंभे होते हैं। भारतीय संसद में बारादरी का जो हिस्सा बाहर की तरफ पड़ता है वहां पर 144 खंभे हैं और यहां पर बारादरी में 138 खंभे हैं। दरवाजों की अगर बात करें और भारतीय संसद से उसकी तुलना करें तो इस मंदिर में आने का एक ही दरवाजा है जो आपके सामने है और यहीं से लोग परिक्रमा करके बाहर भी निकलते हैं। वहीं भारत की संसद जो है वहां पर जैसा मैंने बताया करीब 12 दरवाजे हैं। तो ये इस मंदिर का वास्तु है जिसको ठीक ठीक कॉपी किया गया और दिल्ली में संसद के रूप में उतार दिया गया। हमें ये देख के बहुत ही अद्भुत लग रहा है और उस समय ये बनाया गया है हमारे भारत में, ये सब चीजें है, अब मुझे बहुत गर्व होता है इस बात का कि बाहर से ही देख के ऐसा लगा कि हाँ ये संसद के जैसे ही दिखता है, देखने पे ही ऐसे लगा। तो और कुछ बोल सकते नहीं मगर बहुत अच्छा है, यहाँ आर्किटेक्चरल वर्क इज वेरी नाइस। अगर हम बाहर से देखें, मुझे सचमुच ऐसा लगा कि मैं संसद के बाहर ही खड़ा हूँ। अगर हम बाहर से देखें तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ भाई मैं शायद एक तरीके से संसद को ही देख रहा हूँ।
64 योगिनी मंदिर 170 फीट ऊंची पहाड़ी पर बना है और तकरीबन 100 सीढ़ियां चढ़ने के बाद यहां पहुंचा जा सकता है। इसे एकंतेश्वर महादेव मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इसके मुख्य परिसर में एक विशाल शिव मंदिर है। एक और खास पहलू इस 64 योगिनी मंदिर का है और वो खास पहलू ठीक इसके केंद्रीय भाग का है। ये आपको यहाँ पर गर्भगृह दिखाई पड़ रहा है। आप गौर कीजिए और इस वक्त कुछ देर के लिए हमारी पार्लियामेंट के स्वरूप को अपने दिमाग में लाइए और उसे मिलाने की कोशिश कीजिए। पार्लियामेंट के स्वरूप में भी ठीक बीच में ही ऐसे ही सेंट्रल हॉल बना हुआ है और उस सेंट्रल हॉल पर एक गुंबद है। हालांकि ये गुंबद ही यहाँ के गर्भगृह और स्वरूप में थोड़ा फर्क कर पाता है, जिसे एडविन लुटियंस ने वहां पर उतारा। ये गर्भगृह करीब करीब उस सेंट्रल हॉल का प्रतिनिधित्व करता है और अगर इस गर्भगृह को देखते हुए हम आसपास का बरामदा और बारादरी देखें तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि क्यों ये जगह हमारे देश की संसद की इमारत से करीब करीब पूरी तरह से मिलती है। तो ये एक और पहलू है यहाँ पर जिसको की उतारने की कोशिश की गई दिल्ली के संसद भवन में। इसका अंदर का रूप है पिलरों वाला, वो संसद भवन में बाहर से दिया गया है, इसलिए इसको ऐसा मानते हैं कि ये समकक्ष और उसके बाद रहा होगा उसके। लेकिन अगर वो बीच का हिस्सा गर्भगृह देखा जाए, उस पर गुंबद हो, तो कहीं बहुत संसद का सेंट्रल हॉल और बाकी घेरा, हाँ, वो उसी का एकदम सेम लगेगा। इस तरह का एक बिल्कुल ऐसा लगेगा कि संसद भवन में ही है। देश की संसद और 64 योगिनी मंदिर का रिश्ता तो आपने समझ लिया, लेकिन शिव के इस भव्य मंदिर का योगिनियों से क्या रिश्ता है? यहाँ के 64 कमरों में योगिनियाँ क्या करती थी और वो कौन सी गुफा है जो तंत्र मंत्र के लिए सबसे मुफीद मानी जाती थी? अगले 2 मिनट में वो तमाम तस्वीरें और वो सच आपके सामने होंगे। चौंसठ योगिनी मंदिर का डिजाइन जितना खास है, उससे जुड़ी बाकी चीजें भी उतनी ही चौंकाने वाली है। कहते हैं कि इस मंदिर में 64 योगिनियां रहा करती थी। ये योगिनियां भगवान शिव की पूजा में लीन रहती थी। लोग कहते हैं कि इस मंदिर में आज भी रात के वक्त कोई रुकता नहीं है, क्योंकि रात के वक्त यहां कुछ आवाजें आती हैं। चौंसठ योगिनी मंदिर, जी हाँ, अपने भीतर एक भव्यता को समेटे सैकड़ों सैकड़ों साल से पूरी ठसक के साथ मौजूद ये मंदिर कभी तांत्रिक अनुष्ठान के लिए जाना जाता था और आज भी देश विदेश के कई साधक यहाँ गाहे बगाहे उसी तंत्र साधना की अनुभूति करने के लिए आते हैं। लेकिन इस मंदिर का नाम 64 योगिनी क्यों है, इसकी कहानी भी बेहद रोचक है। कहते हैं कि यहाँ पर कभी 64 योगिनियां रहती थी जो भगवान शिव की पूजा में हर वक्त लीन रहती थी। इन योगिनियों के लिए इस मंदिर में 64 कमरे भी हैं, जिसमें हर कमरे में भगवान शिव का लिंग आज भी मौजूद है। चौसठ योगिनी मंदिर में अगर हम इस बारामदे में, इस बारादरी में घूमते हैं तो एक कक्ष दिखाई पड़ते हैं, एक के बाद एक ये सारे कक्ष यहाँ पर हैं। ये कक्ष अपने में बहुत खास है। आखिर ये कक्ष यहाँ पर क्यों है? यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि यहाँ 64 योगिनियाँ भगवान शिव की पूजा में रत रहती थी। इस जगह बारादरी में हम देखते जाए तो एक के बाद एक ये कक्ष दिखाई पड़ेंगे, लेकिन यहाँ पर ये 64 कक्ष नहीं है, यहाँ पर कुल 65 कक्ष हैं। ये 65वां कक्ष किसके लिए, आखिर वहां पर कौन होता था? तो कहानी और किंवदंती ये है जो लोग यहाँ पर बताते हैं कि उस 65वें कक्ष में पार्वती माँ उसमें रहती थी और 64 योगिनियों के साथ वो शिव की, भगवान शिव की प्रार्थना अर्चना किया करती थी। यहाँ पर आए तो एक चीज देखेंगे कि यहाँ पर शिवलिंग का जो स्वरूप है वो बाकी जगह से कुछ अलग है। जैसे ये शिवलिंग कलश की तरह से है और इस तरफ दूसरी तरफ अगर हम शिवलिंग को देखें तो केवल यहाँ पर लिंग है, यहाँ पर शिव का लिंग दिखाई पड़ रहा है।
एक चीज बाकी शिवलिंग और इन शिवलिंग में फर्क बताती है, और वो ये फर्क बताती है, अगर आप बाकी शिवलिंगों को देखें तो वहां पर आप देखेंगे शिवलिंग के साथ एक जलहरी होती है जिसमें जल चढ़ाया जाता है तो वो जल निकल जाता है। जलहरी से तात्पर्य ये कि शिव का परिवार, चूंकि यहाँ पे पार्वती योगिनियों के साथ मौजूद रहती थी तो यहाँ पर परिवार तो शिव के साथ पहले से ही था, लिहाजा यहाँ पर शिव का जो लिंग है वो उस रूप में नहीं है जो कि हम हर जगह देखते हैं और हर जगह समझ पाते हैं। हमारे साथ इस वक्त सिकरवार साहब हैं जो कि इस मंदिर के ऊपर जिन्होंने काफी जाना हुआ है, पढ़ा हुआ है। क्या खास है इस मंदिर में, आखिर क्यों इतना आकर्षण है? ये आकर्षण का कारण ये है कि यहाँ पर जो है वास्तु शास्त्र के अनुसार ये बिल्कुल सिद्ध मंदिर है, और यहाँ पर योगिनियाँ आया करती थी। योगिनियों का प्रभाव हिमालय में अधिक है। इस लिंग की कोई खासियत को इसका क्या दिखाई पड़ रहा है? इस लिंग की खासियत ये है कि इसमें जो 65 है ये कलश की तरह, हाँ ये कलश है, ये 62वां है। और 62वां ऐसे ही इस मंदिर में एक विशेषता और है शर्मा जी, वो सबसे बड़ी समझ वो है कि ये जितने भी है मंदिर और जिसमें शिवलिंग है, कुछ मैं देखे होंगे शिवलिंग लंबे हैं कुछ मोटे हैं, तो इनके क्या है कि 13 लिंग यहाँ ऐसे हैं जो मोटे हैं और शेष जो है वो पतले हैं। और ये शिवलिंग कलश के है तो ये पार्वती के कमरे के बिल्कुल पास में है। ये पूरे के पूरे मंदिर के जो जितने भी हैं वो कलश इसमें समाहित है। इस मंदिर के अंदरूनी हिस्से में काफी कुछ ऐसा है जो अद्भुत है। जानकार बताते हैं कि यहाँ पर भगवान शिव की आराधना में लीन योगिनियाँ कभी कभी उन्हें प्रसन्न करने के लिए नृत्य करती थी। कुछ लोगों का मानना ये भी है कि ये सभी 64 योगिनियाँ बहने थी जिन्हें महाराक्षसों ने मौत की घाट उतारा था। राक्षसों का संहार करने के लिए यहाँ स्वयं दुर्गा को आना पड़ा था, इसीलिए यहाँ पर माँ दुर्गा का एक मंदिर भी है। हालांकि कहते हैं कि बाद में माँ दुर्गा के मंदिर को ही माँ पार्वती के मंदिर में तब्दील कर दिया गया। अब इस मंदिर को माँ पार्वती का मंदिर माना जाता है। 64 योगिनी मंदिर से कुछ ही दूरी पर इसी चट्टान पर ये एक और मंदिर है, लेकिन एक छोटा सा मंदिर है। यहाँ पर मान्यता ये है कि यहाँ पर माँ पार्वती का मंदिर है और माँ पार्वती यहाँ पर विराजती थी। पार्वती माँ का यहाँ होना उन शक्तियों को एक बैलेंस देता है, जो कहा जाता है कि 64 योगिनी मंदिर में भगवान शिव और योगिनियों के मौजूद होने से वहाँ पर उत्पन्न होती थी। तो माँ पार्वती का एक छोटा सा मंदिर है यहाँ पर, जो कि यहाँ की मान्यताओं के अनुसार इस सब को बैलेंस करता है इस चट्टान पर। लेकिन यहाँ पर क्योंकि यह तंत्र साधना की जगह है तो यहाँ पर कई ऐसी जगह है, हालांकि एक ऐसी जगह जो ठीक इस मंदिर के नीचे हमें दिखाई पड़ती है, तंत्र साधक इन जगहों का इस्तेमाल किया करते थे। इस तरह की गुफाएं यहाँ पर अलग अलग जगह लोग बताते हैं मौजूद है, हालांकि ये गुफा ऐसी है जिसको हम देख सकते हैं, इसके अंदर काफी जगह है। कैमरा कितना दिखा पाता है वो तो संभव नहीं है, लेकिन इसके अंदर काफी जगह है और यहाँ पर बैठकर साधक तंत्र साधना किया करते थे। तो ये कई एक चीजें हैं जो 64 योगिनी मंदिर के आसपास मौजूद हैं और इस मंदिर को अपने आप में अनोखा और खास बना देती हैं।